Hello friends, in this video segment we will discuss about the modification of stem or aerial modification के बारे में हम लोग यहाँ पे discuss करेंगे. तो आइए देखते हैं aerial modification को. Morphology of flowering plant का lecture 8 है ये. तो देखते हैं aerial modification को. हम लोगों ने इसके पहले underground stem modification और sub aerial stem modification को discuss कर लिया था. इस segment में हम लोग aerial modification को discuss करेंगे. एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में पहला है स्टेम टेंड्रिल. तो आपने टेंड्रिल्स देखे होंगे. जैसे स्ट्रक्चर यहां पे आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको यहां पे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड टेंड्रिल. ये टेंड्रिल है. तो ये वीक स्टेम में अक्सर आपको मिलता है ताकि ये होल्ड करके चढ़ सके, आगे बढ़ सके. तो स्टेम टेंड्रिल इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम. एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन है. और ये जो है यहां पे एक्सिलरी से दिखा रहा है, ठीक है. टर्मिनल जो है बट से भी आपको टेंड्रिल्स मिलते हैं. तो उसके क्या एग्जांपल है, तो एक्सिलरी स्टेम टेंड्रिल ऑफ पैसिफ्लोरा. तो पैसिफ्लोरा में आपको एक्सिलरी से आपको टेंड्रिल निकला हुआ दिखेगा. तो स्टेम टेंड्रिल द टर्मिनल बड गिव राइज टू अ टेंड्रिल इन विटिस. विटिस में टर्मिनल मिलता है. पहला ये डिफरेंस देखिएगा. विटिस मतलब अंगूर, विटिस विनिफेरा. तो ये यहां पे जो है एक्सिलरी आपको दिख रहा है. पैसिफ्लोरा में आपको एक्सिलरी से दिख रहा है. तो एक्सिलरी बट कहां से निकलते हैं, एट द बेस ऑफ द लीफ. लीफ बेस से आपको एक्सिलरी बड निकले हुए दिखते हैं. तो टर्मिनल भी हो सकता है. तो टर्मिनल पे आपको जब टेंड्रिल टर्मिनल बड से निकल रहा हो, टर्मिनल बड मतलब इधर ऊपर की तरफ है, तो ऐसा किस में मिलता है. तो इसका एग्जांपल है विटिस. एक्सिलरी बड बिकम मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल एंड इन द पैसिफ्लोरा. एक्सिलरी बड जब मॉडिफाई होता है तो ये पैसिफ्लोरा में ऐसा एग्जांपल मिलता है. एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड जो यहां इस एक्सिलरी बड के बाद भी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड मिलता है, तो एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड बिकम्स मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल इन द केस ऑफ कुकुरबिट. लौकी में आपको ऐसा मिलेगा. और चौथा है फ्लोरल बड बिकम्स मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल इन एंटीगोनोन. देखिए यहां पे मॉडिफिकेशन टेंड्रिल का है. तो यहां पे जो स्टेम मॉडिफाई हो रही है, जो बड्स हमारी मॉडिफाई हो रही है, वो अलग अलग बड्स हैं और अलग अलग मॉडिफिकेशन हो सकता है. और अलग अलग प्लांट में अलग अलग मॉडिफिकेशन सबको मिलते हैं. तो स्टेम मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बनाती है, जो कि होल्ड करने का काम करती है. तो यहां पे एग्जांपल ही पूछता है कि एग्जांपल क्या है. जब फ्लोरल बड इज मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ टेंड्रिल, ऐसा इसका कौन सा एग्जाम्पल है, तो एंटीकोनॉन. जब एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड मॉडिफाई होती है टेंड्रिल में, तो कौन इसका एग्जाम्पल है, कुकुरबिटा. एक्सिलरी बड मॉडिफाई होती है टेंड्रिल में, तो इसका कौन सा एग्जांपल है, पैसिफ्लोरा. जब टर्मिनल बड मॉडिफाई होती है टेंड्रिल में, तो इसका क्या एग्जांपल है, विटिस बेनिफोरा. तो ये एग्जांपल्स ही इंपॉर्टेंट हैं. दूसरा है स्टेम थॉर्न. थॉर्न क्या है, थॉर्न और स्पाइन में डिफरेंस है. स्पाइन आपको छोटे छोटे कांटे बहुत सारे प्लांट में दिखते हैं, तो दैट इज स्पाइन्स. थॉर्न क्या है, थॉर्न स्टेम का मॉडिफिकेशन है. तो आपको बोगनवेलिया में थॉर्न मिलता है. दिस थॉर्न्स मे कंटेन सम लीव्स. ये रख सकते हैं कुछ लीव्स को. स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है. और ये क्या करते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स से अपने आप को बचा लेते हैं. ग्रेजिंग एनिमल्स इन काटे लगे बोगनवेलिया को जल्दी खाते नहीं है. तो एक तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है. द थॉर्न इज हार्ड स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल. और ये प्रोटेक्शन है ग्रेजिंग एनिमल्स से. बोगनवेलिया, साइट्रस एंड डोरेंटा, द एक्सिलरी बड इज मॉडिफाइड इनटू थॉर्न. एक्सिलरी बड जब थॉर्न में मॉडिफाई हो जाए, तो ऐसा एग्जांपल कौन कौन है, इसमें एग्जांपल है बोगनवेलिया और साइट्रस और डोरेंटा. जबकि इन कैरिसा द टर्मिनल बड इज मॉडिफाइड इनटू द पेयर ऑफ थॉर्न्स. टर्मिनल बड कैरिसा में
मेनली एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल रखना है। बर्ड के बारे में हम लोगों ने देख लिया है, व्हाट इज एक्सिलरी बर्ड, व्हाट इज टर्मिनल बर्ड। तो एक्सिलरी बर्ड जब थॉर में बदलता है तो उसके एग्जाम्पल कौन कौन है, बोगनवेलिया है, साइट्रस है और डुरंटा है। और जब टर्मिनल बर्ड उसका एग्जाम्पल कौन है, कैरिसा। द थॉर्न समटाइम्स बियर लीफ, कुछ थॉर्न लीव्स को बियर करते हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एज सीन इन द डुरंटा एंड पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट में यानी अनार में और डुरंटा में आपको थॉर्न लीव्स बियरिंग भी मिलेंगे। एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन का जो तीसरा है दैट इज फाइलोक्लैड, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइलोक्लैड। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है फाइलोक्लैड के बारे में, व्हाट इज फाइलोक्लैड। तो यहाँ पे देखिए ऑपुंटिया दिख रहा है आपको, ऑपुंटिया में दैट इज नॉकफनी, आप अक्सर अपने मैक्सिमम घरों में आपको मिल जाएगी। दीज आर द फ्लैटेंड स्टेम, ठीक है, नॉकफनी आपको मिल जाती है, बिल्कुल फ्लैटेंड होती है, वहां से आपको जो है स्केल्स निकले हुए दिखेंगे। तो दिस इज अ स्टेम एक्चुअली। तो स्टेम का मॉडिफिकेशन हो जाता है, और स्टेम मॉडिफिकेशन होकर जब लीफ का फॉर्मेशन कर ले, यानी कि ये स्टेम कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, ये स्टेम कैसे होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे, ये स्टेम ही सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो फेलोक्लाइड, फिलो मीन्स होता है लीफ और क्लाइड मीन्स होता है ब्रांच, ठीक है, फिलो मीन्स होता है लीफ और क्लाइड मीन्स होता है ब्रांच, और हम पढ़ रहे हैं स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो जब ब्रांच लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाए तो इसको हम लोग फाइलोक्लाइड कहते हैं, ऐसे प्लांट्स में जहां पे ब्रांचेज लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाती हैं। तो मॉडिफाइड इनटू लीफ, इन ओपुंटिया द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर कॉल्ड फाइलोक्लाइड। तो ये एक फाइलोक्लाइड है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड नोड, ये नोड है, ये डिफरेंट जगह पे आपको नोड दिख रहा है, ये पूरा एक पार्ट जो है इंटरनोड कहलाता है, ओके, ये भी एक इंटरनोड है और यहां पे नोड है। ऑन द सरफेस ऑफ फाइलोक्लाइड, फाइलोक्लाइड के सरफेस पे क्लस्टर ऑफ स्पाइन्स आर फॉर्म्ड, स्पाइन्स के क्लस्टर्स मिलते हैं, ठीक है। दीज स्पाइन्स आर मॉडिफाइड लीव्स, और ये स्पाइन्स मॉडिफाइड लीव्स होती हैं, जो आपको कांटे निकले हुए दिखते हैं दैट इज स्पाइन्स, और दीज आर द मॉडिफाइड लीव्स, और ये लीव्स का मॉडिफिकेशन है, ओके। तो स्टेम मॉडिफाई होकर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, और लीफ मॉडिफाई होकर स्पाइन बना लेती है। तो मॉडिफाइड लीव्स ऑफ द एक्सिलरी बर्ड स्पाइन्स, दीज स्पाइन्स नॉट ओनली चेक द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द हार्वीवोर्स, ये प्लांट को हार्वीवोर्स से भी प्रोटेक्ट करती हैं, ट्रांसपिरेशन को चेक करता है। द फिलोक्लाइड हैज डिस्टिंक्ट नोड एंड इंटरनोड्स, एग्जाम्पल ओपुंटिया। दूसरा एग्जाम्पल यहां बगल में दिख रहा है, ये देखिए मुलेनबेकिया, मुलेनबेकिया में आपको ये सिलेंडर, ये जो है सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है। मुलेनबेकिया द स्टेम इज थिन ग्रीन फ्लैट स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स, नोड्स और इंटरनोड्स आपको दिख रहे हैं मुलेनबेकिया में, ये देखिए ये भी स्ट्रक्चर फ्लैटेंड ही है। कुछ आपको यहाँ पे ऐसे भी मिल जाएंगे कैक्टस में जो बिल्कुल राउंडेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम लोग बॉल कैक्टस भी कहते हैं, ठीक। तो मेड अप ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड, इनिशियली स्मॉल नॉर्मल लीव्स आर फॉर्म्ड, पहले तो कुछ नॉर्मल लीव्स फॉर्म होती हैं बट लेटर ऑन स्केली लीव्स, और उसके बाद स्केली लीव्स बन जाती हैं। तो मुलेनबेकिया दूसरा एग्जाम्पल है फिलोक्लाइड का, ओपुंटिया एग्जाम्पल है फिलोक्लाइड का। तो फिलोक्लाइड क्या हुआ, ब्रांचेस मॉडिफाइड इनटू फॉर्म इनटू द लीफ एंड दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। क्लैडोड, व्हाट इज क्लैडोड, क्लैडोड क्या है, क्लैडोड में एग्जाम्पल है रस्कस एंड एस्पर्गस। क्लैडोड क्या होता है कि नॉर्मली दे हैव अ वन इंटरनोड एंड वेरी शॉर्ट, तो मोस्टली वन इंटरनोड लॉन्ग, एक ही इंटरनोड लॉन्ग होती है, प्लांट बहुत छोटी होती है, विथ लीव्स रिड्यूस टू
स्केल्स और लीव जो है रिड्यूस स्केल लाइक लीव्स हो जाती हैं और मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस और या तो मॉडिफाइड होती है स्पाइंस में। एस्परगस का मेडिसिनल यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो एस्परगस हम लोगों ने पहले भी इसका एग्जाम्पल देखा था जब हम लोगों ने फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट के बारे में देखा था, तो गुच्छे में इसकी रूट भी मिलती है, उसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल यूज बहुत ज्यादा है। ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक स्टेम होती है, इसकी स्टेम जो है ग्रीन और फोटोसिंथेटिक। क्लैडोड, जैसे फाइलोक्लैड था वैसे क्लैडोड है, इसकी स्टेम भी जो है फूड बनाती है। बल्बिल, बल्बिल ये देखिए ये लीफ है, ये स्टेम है और यहां स्टेम पे एक्सिलरी नोड पे फूला हुआ भाग मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड बल्बिल। और ये जब गिरता है तो नए प्लांट बनाने की टेंडेंसी इसके पास है, नए प्लांट इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा नया प्लांट दे सकता है। तो बल्बिल क्या है, बल्बिल इज ए स्पेशल मल्टीसेलुलर बॉडी इसेंशियली मीट फॉर रिप्रोडक्शन, और इसेंशियली मीट फॉर रिप्रोडक्शन के लिए होता है। एगेव इसका एग्जाम्पल है, इन एगेव द फ्लोरल बड्स आर मॉडिफाइड इन टू बल्बिल। एगेव में फ्लोरल बड मॉडिफाई होती है बल्बिल में, ओके। दिस बल्बिल गेट्स डिटैच्ड, कम इन कॉन्टेक्ट विद द सॉयल एंड डेवलप इन टू द न्यू प्लांट। यहां देखिए डायस्कोरिया, द एक्सिलरी बड डेवलप इन टू द बल्बिल। बल्बिल क्या है कि बड्स, बड्स बड़े हो जाते हैं, फूड को स्टोर करते हैं और बल्बिल बनाते हैं। बल्बिल आपका एक्सिलरी भी हो सकता है और फ्लोरल भी हो सकता है। एक फ्लोरल आपको कहां मिलता है, फ्लोरल बड जब बल्बिल बनाता है तो दैट इज एग्जांपल इज एगेव, और जब एक्सिलरी बड बना रहा है तो डायस्कोरिया, याद आपको करना है, ठीक है। तो बल्बिल क्या है ये आपको पता चल गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। थैंक्स फॉर योर पेशेंस, बने रहिए चैनल के साथ अपने, और इसको जितना हो सके नीडफुल एक्सपीरियंस को शेयर करें। इन द लास्ट, धन्यवाद।